अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। अच्छा, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था वो ब्लॉग क्रिएशन से रिलेटेड था। मेरे माइंड में ये था मैं वेबसाइट्स बनाऊंगा और उनके कुछ कस्टमाइजेशंस आप सभी के साथ शेयर करूंगा। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने अपने कंटेंट को चेंज किया, बिकॉज़ मैं अपनी फील्ड थोड़ी सी चेंज कर चुका हूँ। और अभी के लिए जिस फील्ड में मैं वर्क कर रहा हूँ वो है इंसेंटिव टेस्टनेट प्रोजेक्ट। वेल, आप सभी ने सुना होगा, बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने कोई भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती हैं। उनमें क्या होता है कि वो अपनी मार्केटिंग जो है वो कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं और साथ ही वो अपनी वेबसाइट्स को डेवलप कर रहे होते हैं। अच्छा, क्रिप्टो के अंदर आप सभी को पता है कि ट्रांजैक्शंस का काम होता है, इसके अलावा ब्रिज का काम होता है, आप एक कॉइन को दूसरे कॉइन में कन्वर्ट करते हैं। तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली अपनी साइट्स को इसी तरह डेवलप करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, कोई भी पार्टिसिपेट जो है वो उसमें पार्टिसिपेट होता है और उसके बाद उनके जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको परफॉर्म करना होता है। और जब उनका प्रोजेक्ट एंड हो जाता है, उनके वाइट लिस्ट में सारी चीज़ें दी जाती हैं, तो उसके बाद रिवॉर्ड भी मिलता है। बेसिकली मैं खुद रिवॉर्ड जनरेट कर चुका हूँ और मेरा यही मानना है कि अब की जो आगे की फील्ड आ रही है या जैसे ही चेंज हो रही है, दुनिया का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, तो कंटेंट भी चेंज होता जा रहा है। और लोग यही चाहते हैं कि ऐसा कोई काम हो जिसके करने से 100% हमें रिवॉर्ड भी मिले। तो मैं आपके साथ अब जो कंटेंट शेयर करूंगा वो टेस्टनेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा। टेस्टनेट में आपके पास एप्टॉस होती है, सोई होती है, उसके अलावा आपके पास वेनम प्रोजेक्ट है, सो लेयर 1, लेयर 0, लेयर 2, तो इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें जस्ट पार्टिसिपेट करना होता है और आपको जब वो प्रोजेक्ट एंड होता है तो उसके रिवॉर्ड भी मिलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कुछ बेसिक गाइड। अब मैं बात करूंगा, आज मैं आपके साथ थोड़ा सा वेनम प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करूंगा कि वेनम प्रोजेक्ट कैसे जो है वो बनते हैं। अच्छा, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वीडियोस मैं कोशिश करूंगा हर प्रोजेक्ट के गाइड वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ, लेकिन इन केस अगर मैं वीडियो प्रेजेंट नहीं कर सकता या मैं वीडियो नहीं बनाता, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल भी दिया गया है जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी एक गाइड प्रोजेक्ट शेयर कर दूंगा कि प्रोजेक्ट को कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। टेलीग्राम के ऊपर भी आपको ये सारी सेम डिटेल में प्रोजेक्ट जो है एक शीट वाइज शेयर कर दूंगा कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट करने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है। टेलीग्राम और उसके बाद ट्विटर दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से सारी इन्फो डेली बेस मिल जाया करेगी। ओके, तो यहाँ पर जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है उस पर मेरे 20 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आ चुका हूँ। सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना वेनम के टास्क परफॉर्म करने के लिए, आपके पास एक वेनम का वैलेट होना चाहिए। इस वैलेट में आप अपना वैलेट क्रिएट करेंगे, एक्सटेंशन लोड कर लेंगे अपने किसी भी ब्राउज़र में, और जब आप अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको 50 जो वेनम टोकन है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपने जो वेनम है जो भी टास्क होते हैं उसको आपने डन करना होता है। तो अभी के लिए मैं 3 प्रोजेक्ट डन कर चुका हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने अपना प्रोजेक्ट डन करना है। कंप्लीट टास्क पर क्लिक करेंगे आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो है जो टास्क बताई गई है स्टेक वैनम करना है, तो आपने अपना जो वैनम टोकन है उसको स्टेक करना है। तो लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ, ये आपके पास यहाँ पर लिंक दिया जाएगा, ये आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, आपका जो लिंक है वो ओपन होगा और यहाँ पर जो वैनम के टोकन है उनको जस्ट स्टेक करना है। ठीक है, तो अगर कनेक्ट वैलेट का ऑप्शन आता है तो आपने अपना वैलेट कनेक्ट करना है। मैं यहाँ से स्क्रॉल करके अपना वैलेट कनेक्ट कर रहा हूँ और एक्सटेंशन को सिलेक्ट करूँगा एंड देन उसके बाद इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जो मेरा मेरा मैनम वैलेट है वो कनेक्ट हो चुका है और उसके बाद ये उसका बैलेंस भी दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं 5 टोकन जो है वो उसको स्टेक करता हूँ, सिलेक्ट कर चुका हूँ 5 टोकन और मैंने सिंपली स्टेक पर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन ओपन हुई है, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड ऐड कर देता हूँ जो कि मैंने अपने वैनम वैलेट के लिए सेट किया हुआ था। तो जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद जो है मैं अपने मेन पेज पर जाऊँगा, इसको चेक करूँगा और ये जैसे चेक होगी तो हमारी ये टास्क डन हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट टास्क हमारी इनेबल हो जाएगी। ओके, तो ये इनेबल हुई, देन मैं नेक्स्ट को मिंट करूँगा और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ अगेन।
ओके, तो यहाँ पर मेरी एनएफटी भी मिंट हो चुकी है, ठीक है। सो एनएफटी जब आप मिंट कर लेते हैं तब इनकी प्राइसेस कम होते हैं, लेकिन जैसे ही बीटीसी की प्राइस बढ़ेगी, जो बुल सीज़न आएगा क्रिप्टो के अंदर, तब इन सभी चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई पर चली जाएंगी। मैं आपको अगर आइडिया बताऊँ तो एक एक एनएफटी आपको $100, $50, $200 का रिवॉर्ड बैक दे सकती है। तो ये जितनी भी NFTs होती हैं इनको आप जो है वो मिंट कर लिया करें, और जब इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं इनको आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाके सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से OpenSea भी एक साइट है, वहाँ पर भी आप इसको सेल कर सकते हो, और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आपकी NFTs लिस्ट हो जाती हैं, फिर वहाँ से आप उनको प्राइस करके, लिस्ट करके, सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। जो भी डेली प्रोजेक्ट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर मैं हर प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको यहाँ से वीडियो नहीं मिलती तो आप मेरे उन अकाउंट से जाके जो न्यू प्रोजेक्ट होंगे, लेटेस्ट प्रोजेक्ट होंगे, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड करके जो आपके प्रोजेक्ट होंगे उनको डन कर सकते हैं। ये था मेरा आज के वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलूंगा एक और टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।